And the honorable thank you ma'am. आज की मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन परम आदरणीय रीता अब आप लखनऊ राज्य के स्टार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वर्षा कुमार जी पीडीसी ये बताइए कि जो इवेंट है ये किस क्या है इसका विषय? मैं इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ राज्य के स्टार की प्रेसिडेंट सुचिता तिवारी आज यहाँ फंड रेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मेघ मल्हार के नाम से, जिसमें प्रसिद्ध गायिका वंदना मिश्रा जी आई हैं, जो यहाँ पे कजरी का आयोजन किया गया है, वो कजरी सुनाएंगी हम लोगों को जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं। और इसके माध्यम से हमने जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं और समाज के जो भी निरीह व्यवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान हेतु हम अपने इस फंड रेज प्रोग्राम को आयोजित किए हैं कि जो भी धन इकट्ठा होगा हम उसमें लगाएंगे। इस तरीके के इवेंट आपने कितनी बार करवाया है? अभी इनर व्हील राइजिंग स्टार का ये पहला इवेंट है, आज पहली बार हम लोगों ने फंड रेज कार्यक्रम किया है जो है और ये काफ़ी सफल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कजरी का आनंद ले रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो भी हमारा फंड रेज अच्छे से सक्सेस पूरा होगा हम सब लोग सामाजिक स्थान में इसको लगाएंगे। किसी प्रकार की आप कोई संस्था भी चलाती हैं क्या? क्लब ऑफ लखनऊ राइजिंग स्टार एक संस्था ही है, क्लब है जिसमें सभी महिलाएं मिलकर आपस में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं। समाज के जो भी ट्रेनिंग देना, जैसे हमारे चेयरमैन का विश है गोल, विश के अंदर में सभी समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब आती हैं, चाहे वो बच्चों को अनाथ बच्चों को पढ़ाना हुआ, चाहे लोगों को गरीबों को खाना खिलाना हुआ, चाहे बेसहारा को सहारा देना हुआ। सबसे अच्छा हमारी जो इंडिया की प्रेसिडेंट है ममता गुप्ता जी, उनका इस समय मिशन चल रहा है अर्फनेज इंडिया, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनको इनर व्हील क्लब के लोग सब एक एक बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे, जिनको पारिवारिक माहौल देंगे और उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उनको सहयोग प्रदान। कितनी पुरानी है आपकी संस्था? इनर व्हील क्लब बहुत पुराना है और लेकिन राइजिंग स्टार हमारा जो इसका एक इकाई है, एक तरह से कहा जाएगा इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ राइजिंग स्टार एक इकाई है जो अभी 3 साल से सामाजिक उत्थान में अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, धन्यवाद।